तो वेलकम बैक गाइस। आज मैं प्रॉपर तरीके से कला मैगजीन फोर्ट बेलग्रेड में है। ये फोर्ट की हिस्ट्री आप लोग गूगल पे चेक कर सकते हैं वैसे, क्योंकि ये फोर्ट ओटोमन एम्पायर के टाइम का फोर्ट है। आप देख सकते हैं ये तो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, वनकम, मरहबा, हाय, मैं हूं आपका दोस्त मसूद आनंद। वेलकम टू ब्लैक फिल्म्स। मिलते हैं आज एक नए ब्लॉग के साथ। तो आज का जो ब्लॉग रहने वाले, आपने टाइटल में पढ़ ही लिया होगा, कैले मैगजीन फोर्ट हम लोग जा रहे हैं आज, बिकॉज आज मौसम थोड़ा बेहतर है और काफ़ी बढ़िया है, मतलब सनी है, थोड़ा सा क्लाउडी है, सर्दी थोड़ी कम है, रात में थोड़ी ज़्यादा हो जाती, करीब 3 डिग्री 4 डिग्री टेम्परेचर होता है। तो आज मैं आपको दिखाता हूँ कि ये फोर्ट कैसा है, इसकी क्या क्या फोर्ट कैसा दिखता है। बाकी चीज़ें गूगल पे तो अवेलेबल है ही, बट मेरे आई से या मेरे ब्लॉग से जो मैं आपको दिखा सकता हूँ, मैं आप दिखाने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं आगे ब्लॉग में। तो फोर्ट में एंट्री करने के पहले आप ये फोर्ट के अंदर क्या क्या है वो देख सकते हैं, कि इंग्लिश में और सर्बिया में ये दोनों चीज़ मेंशन की है। मैं आपको थोड़ा सा वीडियो में दिखा देता हूँ और हम जूम करके देखते हैं कि क्या क्या लिखा हुआ है इसमें। सबसे पहला तो नीबोसोजा टावर है, उसके बाद बरूक गेट है, उसके बाद आप देख सकते हैं ये वॉजनी बंकर, मिलिट्री बंकर है, और लार्ज गन पाउडर मैगजीन, सलातकुला यानी सहत टावर, और रोमन वेल, और ये बर्गियन लरी। भाई ये बताना चाहूँगा कि जो बेलग्रेड वाले सोच सकते हैं या सर्बिया वाले सोच सकते हैं, वो हम इंडियन नहीं सोच सकते हैं। इन लोगों ने एक बास्केटबॉल कोर्ट बना दिया फोर्ट के अंदर। कोर्ट का, फोर्ट का सही तरीके से इस्तेमाल किया गया है पब्लिक के लिए। ये फोर्ट कब बना था आप देख सकते हैं, 1750 से लेकर 1760, इसको 10 साल लग गए फोर्ट को बनने के लिए। तो फोर्ट के अंदर सर्बियन वालों लोगों ने एक डायनासोर पार्क बनाया। आप देख सकते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायनासोर्स हैं यहाँ पर, और बहुत मज़ेदार है। वहाँ पर आप देख सकते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायनासोर्स कैसे कैसे दिखते हैं वो है। '1920 में कैसे दिखता था, उसका आइसोमेट्रिक व्यू है, यानी ड्राइंग है, इंजीनियरिंग वाले बच्चे समझ जाएंगे। ये 1878 में कैसे दिखता था, और ये इनर सिंबल स्टैम्बल गेट विद बैस्टियंस 1 और 2 ऑफ द साउथ ईस्टर्न फ्रंट, ये सर्बियन लैंग्वेज में लिखा हुआ है। जो पहले आपने देखा था वो आउटर स्टैम्बल गेट था, ये इनर स्टैम्बल गेट है, ये 1750 में बना था। तो आप देख सकते हैं भाई आर्किटेक्चर जस्ट लाइक द ब्रिटिश पीपल। वो शायद अंदर आर्ट गैलरी है, और ये इसका एंट्रेंस, और ये फोर्ट का एंट्रेंस। तो लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं कि टैंक मशीन, मिसाइल लॉन्चर्स, टैंक्स, ब्यूटीफुल। एक्सप्लोरिंग इज फन यार, एक्सप्लोर करना चाहिए। फोर्ट बहुत बड़ा है, इसे दिखता छोटा है बट है बहुत बड़ा। ये देखिए मॉन्यूमेंट, टाइम टावर, टाइम कितना हो रहा है अभी, 3:15 बजे।
मेरी गाड़ी में कितने बज रहे हैं वो भी देख लेते हैं एक बार। तो ये कुछ और टैंक्स फोर्ट के लेफ्ट हैंड साइड के, और ये बहुत ही खूबसूरत सा ब्रिज। और अंदर जाने के लिए शायद आपको पता होगा कि फोर्ट के अंदर ऐसा एंट्री के लिए ऐसे बीच में जगह क्यों छोड़ते, फिर हाइट पे फोर्ट क्यों बनता है। बिकॉज जब भी अटैक होता है बाहर से तो लोग जो है ऊपर से जो अपोजिट आर्मी है उनको डिफीट करने के लिए इजी होती है। इसीलिए कहा जाता है कि जो भी आप हाइट पे फोर्ट बनता है तो वो विनिंग साइड पे होता है, इसलिए फोर्ट को कैप्चर कर पाना इतना इजी नहीं है। और अगर ऊपर जाएंगे तो और थोड़े से टैंक्स है। देफर्डर गेट एंड मेमस लोकोविच पाशा ड्रिंकिंग फाउंटेन। सामने यहाँ फाउंटेन तो दिख नहीं रहा है, बट जो कुछ यहाँ पर है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, और वो देख सकते हैं आप। गुड प्लेस। और जो आप उस तरफ बिल्डिंग देख सकते हो उसके बीच में रिवर दानुबी, दानुबी रिवर। तो जो मेरे सामने आप देख सकते हैं ये बहुत ही खूबसूरत नज़ारा, और जो रिवर कनेक्ट करती है ओल्ड बेलग्रेड को न्यू बेलग्रेड से, एक तो रिवर सावा है और एक रिवर दानुबी है। तो फोर्ट्स हमेशा आप देखते जानते होंगे कि पानी यानी नदी या रिवर के आसपास बनाए जाते हैं, इसलिए बनाए जाते हैं ताकि पानी जहाँ पर होता है वहाँ पर फार्मिंग अच्छे से हो पाती है। बहुत ही भाई अद्भुत नज़ारा है। ओ माय गॉड, क्लाउड से जो रेज आ रही है आप देख सकते हैं भाई, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। मतलब कैमरा जस्टिस नहीं कर पा रहा है बट इतना ब्यूटीफुल है। और ये जो फोर्ट है गर्मियों में बहुत ज़्यादा क्राउडेड होता है। अब गर्मियाँ आप देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं एकदम ओपन स्काई और बैक साइड में एकदम ही क्लाउडी वेदर, सो ब्यूटीफुल। तो मेरे राइट साइड में आप पीछे देख सकते हैं ये दानुबी रिवर है जो, और आगे हम लोग जाएंगे तो रिवर सावा है। ओल्ड बेलग्रेड को और न्यू बेलग्रेड को ये रिवर कनेक्ट करती है, फोर्ट से कनेक्टेड है रिवर। और आगे स्टेयर्स है, तो होप करता हूँ अभी तक जितना मैंने बनाया आपको अच्छा लगा होगा। अगर यहाँ तक देख लिया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करिएगा, क्योंकि अब मौसम बढ़िया है तो और कुछ दिन ही बचे हैं सर्दियाँ में, उसके आगे मैं कहाँ जाऊँगा मैं आपको आगे बताऊँगा। तो मिलते हैं आगे ब्लॉग में। तो सामने आप देख सकते हैं सामने आप देख सकते हैं न्यू बेलग्रेड, और ये स्टैचू बहुत ही खूबसूरत और थोड़ा सा ओल्ड। ये स्टैचू को पोबेडनिक स्टैचू बोलते हैं, यानी कि सर्बियन लैंग्वेज में, और इसका इंग्लिश में मीनिंग होता है विनर। जो विनर होता है उनके लिए ये बनाया हुआ है। भाई बहुत मज़ा आ रहा है यार, इतना खूबसूरत नज़ारा पहले आप लोगों को दिखा दिया होता तो और बढ़िया था। बढ़िया व्यू भाई, मजा आ गया एकदम देख के। पूरी सर्दी गायब कर दी व्यू ने भाई, इतनी ठंड लग रही है पर व्यू देखने के बाद ऐसा लग ही नहीं लगा कि मुझे ठंड लग रही है, बस ऐसा लगा घूम गया मैं ये वादियों में, या आप कह सकते हो कि ये नेचरिस्टिक व्यू देखकर। और ये देखो सन देख सकते हो आप एकदम क्लाउड्स में। अब सर्दी की वजह से थोड़ी सी फंबलिंग होगी तो उस चीज को आप लोग समझ लेना। This is plateau by the Victor moment.
आप लोग अभी तक जो वीडियो चल रहा था उसमें देख ही लिए होंगे। ये सामने जो आप कब्र देख सकते हो, ये उन लोगों की कब्र है जो लोगों ने ये सिटी को डिफेंड, यानी कि ये जो फोर्ट्रेस है और बेलग्रेड सिटी को डिफेंड करने में अपनी जान गंवा दी। तो थोड़ा देर यहाँ पर बैठ के थोड़ा कॉफ़ी का मज़ा लिया और थोड़ा धूप ले ली, बिकॉज थोड़ा सा सन है। और आप देख सकते हैं पीछे, व्लॉग एंड अभी नहीं होगा अभी, क्योंकि मैंने लंच नहीं किया है। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि लंच में मैं क्या खाता हूँ, और सब बढ़िया है, आप लोगों की दुआ है और ऊपर वाले का रहमो करम है कि एवरीथिंग इज गुड। बेलग्रेड में ये ट्री को मैजिक ट्री कहते हैं, पता नहीं क्यों, बट यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है मैजिक ट्री। और ये इसके आसपास का व्यू है। और एक बात, यहाँ पर एक बहुत बढ़िया चीज़ दिख रही है, ये भी शायद किसी का मॉन्यूमेंट है, मैं दिखाता हूँ किस चीज़ का है। और यहाँ पर लिखा हुआ है कुछ, ये इंग्लिश में तो नहीं दिख रहा है, बट शायद किसी की कबर है। 1377 टू 1427, यानी कि 13 सेंचुरी की ये कबर है, और आज भी इसको रिस्टोर करके रखा हुआ है। तो पहले ब्लॉग में आप देख चुके हैं प्रिंस स्टीफन के बारे में। तो ये इकलौता गेट अभी मौजूद है इस फोर्ट में, जो प्रिंस स्टीफन के टाइम का है। आप ये देख सकते हैं 1915 टू 1918, और ये उस टाइम का फोर्ट। और ये थोड़ा सा, अगर आपको और डीप में जाना है तो आप रीड कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा और देर तक ये वीडियो कंटिन्यू करता हूँ। यहाँ पर ये जो आप ऊपर देख सकते हो, ये ऑब्जर्वेटरी, ये जो ऊपर देख सकते हो ये ऑब्जर्वेटरी टावर है। मतलब रात में आप इसको, जो स्टार्स हैं उसको देखने के लिए काम आता है ये, लोग इसको देखते हैं रात में यहाँ पर आके। अब आप देख सकते हैं थोड़ा सा मैं और आगे आ गया हूँ, और यहाँ पर क्लाउड्स की एक लेयर बनी हुई है, और यहाँ एक इंडियन कपल शूट कर रहा है, एंड बहुत ही खूबसूरत ये आप देख सकते हो। इससे थोड़ा एनालाइज हो जाएगा आपको कि ऐसी चीज़ें क्यों बनाई जाती थी, ताकि नीचे नज़र रखी जाए और सन ब्राइटली शाइन करते हुए। सो अभी थोड़ा सा और आगे आ गया हूँ मैं, और ये फोर्ट का दूसरा साइड है जो आप देख रहे हैं, और यहाँ से जो व्यू आपने देखा बहुत खूबसूरत है। ये भी एक वॉच टावर जैसा ही है, काफ़ी जगह है यहाँ आसपास देखने के लिए, आप पीछे देख सकते हो मेरे। और बहुत बढ़िया है यार बेलग्रेड, सीरियसली आई लव बेलग्रेड। तो बेलग्रेड में कुछ हमारे तमिलियंस मिले हैं चेन्नई से, और ये दोनों जो आप देख सकते हैं, ये दोनों न्यूली मैरिड कपल है, और ये लोग भी हमारी तरह टूरिस्ट है, और वो सिंगल है वेंकटेश निवेदिता, और आपका अरुल। तो ये लोग 18 को सिंगापुर जाएंगे। और अभी तक का कैसा लगा एक्सपीरियंस आप लोगों को? बहुत अच्छा लगा। तो मेरे व्लॉग में मैं जो वनकम बोलता हूँ ना, वो इन लोगों के लिए, ठीक है? एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल गाइस, ओके, टेक केयर, थैंक यू।